आज गणपति स्थापना का नौवा दिन है। आइए चलिए आज जसपुर के सभी छोटे बड़े पंडाल में गणपति बप्पा जी का दर्शन कराता हूँ। जसपुर धर्म की नगरी का। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं घुमाता हूँ जसपुर धर्म नगरी में। आप हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि जसपुर धर्म नगरी है या नहीं। सबसे पहले घूमिए हमारे जसपुर धर्म नगरी में। जसपुर में गणपति पंडाल कहाँ कहाँ बने हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ जसपुर का लगभग सारे गणपति पंडाल। ये है जसपुर हाउसिंग बोर्ड गम्भरिया कॉलोनी का गणपति पंडाल। आप देख सकते हैं जसपुर का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है। मैं यहाँ का दरबार का दर्शन कराता हूँ। अभी दोपहर के करीब 3 बज रहे हैं, तो अभी हवन वगैरह होके जा चुके हैं सब श्रद्धालुगण, देख सकते हैं। यानी ये हमारे बस्ती का गणपति स्थापना है। ये है हमारे डोड़का चौरा बस्ती का गणपति पंडाल। आप देख सकते हैं यहाँ पे भव्य तरीके से बैठाया गया है। ये हाउसिंग बोर्ड के जस्ट बगल में है। शाम में खूब कीर्तन भजन होता है यहाँ पे। ये है समिति के कर्णधार कार्यकर्ता। तो भाई आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? मैं डीसी समिति वाला हूँ। आज यहाँ पे कार्यक्रम है, यहाँ पे आज थोड़ा भोजन होगा। ये भी डोड़का चौरा मेन बस्ती का गणपति स्थापना है। आप देख सकते हैं यहाँ भी भव्य तरीके से गणपति बिठाए गए हैं भाई लोग। क्या भाई लोग, हाँ। कितना भजन करते हैं शाम में? करते हैं, ढोलक वगैरह रखा हुआ है, देख सकते हैं। सारे समिति वाले लोग इधर हैं। ये गणपति दरबार है जसपुर का, रक्षित पुलिस लाइन के जस्ट बगल में गणपति पंडाल है। आप देख सकते हैं, मैं ले चलता हूँ इस दरबार के अंदर। आज यहाँ पे हवन हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम कीर्तन भजन होते हैं। रक्षित पुलिस लाइन पहुंचा, यहाँ पे खूब जोर से बारिश आ रही है। आप देख सकते हैं बहुत तेज बिजली गड़क रही है और तेज मूसलाधार बारिश भी हो रही है। जसपुर के गढ़ाटुली का गणपति पंडाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मस्त तरीके से बिठाई गई है। बच्चे लोग काफी यहाँ पे है। ये भी है जसपुर के गढ़ाटुली का गणपति पंडाल। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफी अच्छा डेकोरेट की गई है। मैं दिखाता हूँ यहाँ का सीन, इसी को बोल रहे थे प्रभात भाई पेंटिंग करके बनाए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं काफी अच्छा सीन बनाए हैं यहाँ पे। दिन में भंडारा था, आप देख सकते हैं सारे लोग खा के जा चुके हैं। मैं भी ले लेता हूँ भंडारा का प्रसाद। काफी अच्छा प्रसाद बना है, खिचड़ी भंडारा में। आज भी बच रहा था, मैं भी ले लेता हूँ। नमक वगैरह सब मस्त है। चलिए ठीक है, धन्यवाद भाई। ये है जसपुर के मिश्रा कॉलोनी का गणपति स्थापना। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ पे है गणपति स्थापना, श्री गणेश पूजा समिति मिश्रा कॉलोनी। यह है जसपुर के महाराज चौक का गणपति स्थापना। महाराज चौक में दो जगह गणपति बैठी है, एक एकता क्लब के द्वारा उधर और एक इस साइड में, दोनों साइड में गणपति स्थापना की गई है। मैं यहाँ का दर्शन कराता हूँ।
और भाई लोग बढ़िया, आज भंडारा है। इस साइड भंडारा चल रहा है, पूरी खीर और चटनी। गरम है। जसपुर का मिलन चौक, यहाँ पे भी भव्य तरीके से गणपति पंडाल बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से इधर प्रसाद वगैरह भी ले रहे हैं। और इधर हैं पंडित जी। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम आपके सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जसपुर में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी इसी तरीके से लगभग 10-15 पंडाल विभिन्न स्थलों पर लगे हुए हैं और विधि विधान से भक्ति भाव से युवा बुजुर्ग बच्चे सभी गणेश जी की सेवा और पूजा में लगे हैं। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि धीरे धीरे धर्म की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब धर्म नगरी बोल सकते हैं जसपुर को। धर्म नगरी बोल सकते हैं जसपुर में सभी उत्सव। अभी इसके बाद नवरात्र जब आएगा तो नवरात्र में भी 9 दिन बालाजी मंदिर और काली मंदिर में विधि विधान से, वैदिक विधि विधान से हवन पूजन और साथ में विभिन्न समितियों के द्वारा गरबा का आयोजन होता है। और कीर्तन भवन में दुर्गा जी विराजते हैं, संगम चौक में दुर्गा जी विराजते हैं और साथ ही सन्ना रोड में दुर्गा जी विराजते हैं। तो लगभग जितने भी त्यौहार आते हैं सभी जसपुर में धूमधाम से मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी में आपने देखा ही था कि मटका फोड़ प्रतियोगिता में कितना भीड़ हुआ था और बालाजी मंदिर में रात को जन्मोत्सव के समय में कितना भीड़ हुआ था। तो जसपुर धीरे धीरे धर्म जसपुर को धर्म नगरी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यह देखकर अच्छा लगता है कि एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक सभी भगवान के भक्ति भाव और पूजा में लगे हुए जी। सो फ्रेंड्स, मिलन चौक में मुझे मिल गए हैं संदीप बोरवेल। आपने पूरे जसपुर में देखा होगा हर जगह पोस्टर और बैनर्स लगे रहते हैं संदीप बोरवेल के नाम पे, लेकिन इनको जानते नहीं होंगे आप। ये हैं संदीप बोरवेल जी, जरा दिखाता हूँ मैं। संदीप जी मुझे मिल गए मिलन चौक के पास, और ये है रवानी जी मुझे मिल गए मिलन चौक के पास। तो संदीप भाई बोले चलिए घुमाता हूँ मैं जसपुर में, जहाँ जहाँ गणपति पंडाल लगे हैं वहाँ वहाँ घूमते हैं। बाकी संदीप जी के साथ घूमते हैं आज। बाकी जिनको भी जसपुर क्षेत्र में बोरवेल खुदवाना है फ्रेंड्स, तो संदीप बोरवेल से खुदवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं और देते आ रहे हैं बहुत दिनों से। बाकी इनका नंबर्स आप जिधर भी रोड में घूमेंगे संदीप बोरवेल के नाम पे मोबाइल नंबर सब दिया हुआ है। बाधरकुना का जस्ट जिम के बगल में गणपति पंडाल आप देख सकते हैं, यहाँ भी गणपति स्थापना की गई है। बच्चे लोग भजन की तैयारी करते हुए यहाँ पे मधेश्वर के थीम से बनाया गया है। हमारे क्षेत्र में एक मधेश्वर पहाड़ है, उसके थीम से बनाया गया है यहाँ पे। हम लोग पहुंच चुके हैं जसपुर के बरटोली भागलपुर साइड में। इधर देखते हैं कितने साइड में गणपति पंडाल लगे हैं, आपको दर्शन कराते हैं। संदीप भाई ड्राइव कर रहे हैं आप देख सकते हैं इधर, और रवानी जी बैठे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ। यह है जसपुर का बरटोली गणपति पंडाल, और देखते हैं इधर आप देख सकते हैं इधर भंडारा चल रहा है, खिचड़ी भाई लोग लगे हुए हैं, जगह जगह भंडारा चल रहा है। मैं ले चलता हूँ गणपति पंडाल के अंदर, दिखाता हूँ यहाँ का गणपति। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे लोग मस्ती करते हुए। मस्त बनाया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। Oh,
है जसपुर के दरबारी टोली का गणपति पंडाल यहाँ पे भव्य तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं गणपति पंडाल, ये जसपुर का दरबारी टोली है। मैं ले जाता हूँ दरबार के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कीर्तन भजन की तैयारी करते हुए। और भाई लोग एक्साइटेड हैं, अभी भजन चलेगा, भजन चलेगा जी। हाय, आप देख सकते हैं बहुत तो अच्छा यहाँ पे मंथन करते हुए। क्या थीम में बनाए गए हैं? समुद्र मंथन, बताइए अच्छे से। समुद्र मंथन थीम में बनाया गया है, देख तो रहे हैं आप। हाँ हाँ, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है ना। इधर है अमित सोनी जी, अमित सोनी बताइए कौन से थीम से बनाया गया है यहाँ पे? ये आपका बताइए, ये बताइए। हमारा समुद्र मंथन के ऊपर थीम पे बनाया गया है इस बार पंडाल, और मूर्ति का जो कलाकारी है बुमला से एक भैया है वो किए है। बुमला से आए थे बनाने? बुमला से आए थे बनाने, गुड्डू नाम उनका, गुड्डू भैया। और ये हमारा मिर्जापुर देखे ना आप, बस वही। और ये हमारा 17वां साल है, 17वां साल गणेश पूजा जी का। और कब विसर्जन है? परसों, कल है, कल कल है, कल 28 तारीख। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे भजन करने के लिए आए हैं इचकेला से। इनका ढोलक बोलते हैं मांदर बोलते हैं, ढोलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृगन, मृदंग। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? इचकेला, इचकेला से आए हैं। रात भर भजन करेंगे आज? हाँ, दो तीन घंटा। अच्छा, 2-3 घंटा भजन करेंगे। ओके, ये है जसपुर का विवेकानंद कॉलोनी का गणपति पंडाल, आप देख सकते हैं विवेकानंद कॉलोनी है। मैं ले चलता हूँ गणपति पंडाल के अंदर गणपति जी के दरबार में। यहाँ पे हवन की तैयारी की जा रही है। इधर नीतू दीदी पार्षद यहाँ पे आरती करने के लिए तैयारी करते हुए। न जायते शुक्लांबर जरम देव शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रश्न भंगं जायते हरिपीचतासुरासुरै ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नीतू दीदी यहाँ की पार्षद हैं जो कि तैयारी करते हुए आप देख सकते हैं आरती के लिए। तो नीतू दीदी की कुछ बोलना चाहेंगे इस साल के गणपति स्थापना के बारे में? इस साल सब जगह गणपति जी अच्छे बैठे हैं, हर जगह भीड़ भाड़ है और सब श्रद्धालु अच्छे से पूजा पाठ भी कर रहे हैं नियम के तहत, और खुशी हो रहा है। धन्यवाद देना चाहूंगी जो लोग बैठाए हैं गणेश जी और उनका सेवा कर, धन्यवाद जी, धन्यवाद। और सर इस साल के गणपति स्थापना के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? विवेकानंद कॉलोनी में गणपति जी का रखा गया है और इसमें पूरे मोहल्ले वाले जो है सहयोग किए हैं और अच्छा से मना रहे हैं। आज महाआरती है गणेश जी का जी। इधर है राजेश जी, राजेश जी यहाँ के संयोजक हैं। तो राजेश से तो नहीं है जी, संयोजक सभी हैं, पूरे कॉलोनी वाले संयोजक हैं जी। हाँ हाँ, तो क्या है? और 12 साल से बैठ रहे हैं यहाँ जी, और इस बार पिछले साल तक तो बच्चे लोग थोड़ा सा आगे होकर किए थे, इस बार हम लोग थोड़े बड़े लोग मिलकर किए हैं, इस बार गाइड किए हैं मतलब जी। इधर है संजय जी, संजय जी बोलना चाहेंगे कुछ इस साल के गणपति स्थापना को लेके? जय गणपति बप्पा। ये हम लोग का विवेकानंद कॉलोनी राधे राधे युवा समिति की ओर से इस बार हम लोग बहुत जोरदार तरीके से देख भी रहे होंगे आप, और पूरे कॉलोनी का सहयोग है और इस बार हम लोग कोशिश किए हैं कि बहुत अच्छा इस बार हम लोग और आने वाला समय में और भी अच्छा करेंगे, और बहुत ही अच्छा रहा इस बार जी। ये है स्वास्थ्य विभाग परिवार जसपुर, आज विसर्जन कर रहे हैं ये स्वास्थ्य विभाग वाले। Thank you.
लगा ले देख दिले सन मुके कण की नजर से हाय रे दिले तो जला दे ये है जसपुर महाराजा चौक एकता क्लब का गणपति स्थापना। ये एकता क्लब वाले अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के थीम से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये है जसपुर का एकता क्लब महाराजा चौक का गणपति स्थापना। कल यहीं पे भव्य कार्यक्रम हुआ था। चलिए मैं इस पंडाल के अंदर ले चलता हूँ गणपति जी के दरबार में। ये पंडाल जसपुर के बस स्टैंड के पास बलराम मंच का है, जो कि पूरे बांस से बनाई गई है। इसका वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। उस साइड प्रसाद बट रहे हैं, इस साइड बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया गया है। अंदर भजन चल रहे हैं, जो कि बालाजी म्यूजिक ग्रुप द्वारा चल रहा है। जसपुर में गणपति पंडाल में घूम चुका हूँ, आ चुका हूँ, शायद आप लोग भी दर्शन कर लिए होंगे। फिर से मैं आ गया हूँ जसपुर अपने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। यहाँ पे देखते हैं, दिखाता हूँ आपको किस टाइप से यहाँ पे कार्यक्रम है और क्या क्या प्रसाद मिल रहे हैं। अभी मुझे लगता है भजन चल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ भजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे भजन चल रहे हैं हमारे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। यहाँ पे प्रसाद आज खीर है, इधर मौसा जी हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खीर का प्रसाद है आज, देख सकते हैं। देख सकते हैं इधर भजन चल रहे हैं। इधर है बड़े भैया का, और कुछ बोलना चाहेंगे? आज नवा दिन है, आज भंडारा चल रहा है, ठीक है। भंडारा जो है बहुत सुंदर है, और आज बना है तस्मई। तस्मई, हाँ, इसमें चीनी नहीं डाला जाता है, सिर्फ दूध से बनता है। दूध से बना है? हाँ, खाली दूध से बनता है, और दूध का मिठास से तस्मई तैयार किया जाता है, और सभी भक्त को खिलाया जाता है बुला बुला करके। और बांटने वाले में से मुकेश भैया भी हैं, प्रकाश भी हैं, यहाँ पंडाल के अंदर में बैठे हुए हैं सभी को। निर्माता ये है, ये हैप्पी सिंह को प्रसाद लेने आए हैं। सो गाइज, मैं घर आ गया हूँ। आपने देखा होगा हमारे जसपुर धर्म नगरी का गणपति पंडाल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। ओके गाइज, बाकी मिलते हैं कल विसर्जन के कार्यक्रम में।